मित्रों, इस वीडियो में हम फिर से एक नए प्रश्न पत्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। आप पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों को गहनता से अध्ययन करें, क्योंकि लगभग 60 से 70% चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। मैं बार बार आपसे हर वीडियो में यही कहता हूं। और आज हम 2017 का 19 जुलाई का पहली शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बिना समय गंवाएं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, इसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है? तो भाई, इसका सही जवाब है कि इसके संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वह भाई हुआ है कितना, -2। ओके, -2 केवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल इनमें से क्या होगी? भाई, अगर हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है, या दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, या दाब में वृद्धि के साथ कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, व्यवहारिक प्रश्न, तो हमेशा याद रखना। हवा में नियत ताप पर, अगर ताप नियत है तब की बात हो रही है, ताप जब कांस्टेंट है तब ध्वनि की चाल जो है वो दाब में वृद्धि के साथ साथ क्या है भाई, समान रहती है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं किसमें? संरचना के स्तर किसमें देखे जा सकते हैं? जंतु कोशिका में, या फिर पादप कोशिका में, या बहुकोशिकीय जीव में, या फिर एक कोशिकीय जीव में। हमेशा याद रखना कि संरचना के जो स्तर होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव में देखे जा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि लकड़ी किसका उदाहरण है? लकड़ी पूर्ण पारदर्शी का उदाहरण है, या आंशिक पारदर्शी का, या बहुलक का, या फिर अपारदर्शी का? तो हमेशा याद रखिएगा कि लकड़ी जो होती है वह अपारदर्शी का उदाहरण है। ओके, आप उसमें पारदर्शी के तौर पर जो है यूज नहीं कर सकते लकड़ी को, ओके, मिरर शीशा नहीं है वो, इधर से उधर आपको दिख जाए। ओके, अपारदर्शी की तरह काम करती है लकड़ी। अगला प्रश्न तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था, ये पिछला प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न था। प्रश्न है कि विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा, विषाणुओं द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है मुख तथा खुर रोग। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जुगाली करने वाले पशु के आमाशय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? भाई, इसकी संख्या होती है 4। प्रश्न है कि अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसी अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? तो भाई, ऐसी अशुद्धता जो अयस्क में पाई जाती है उसे अधात्री कहा जाता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, तो मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है भाई 31 जोड़ी। प्रश्न है कि अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? तो अमोनिया के जलीय विलयन में NH4- और OH-, ओके, NH4+ एंड OH- होता है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम के निम्न गुणों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? अच्छी उसमें चालकता का होना, अच्छी विद्युत चालकता का होना, लचीलेपन का होना, और उच्च गलनांक बिंदु का होना। तो भाई, यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प और इसका सही जवाब है कि अच्छी उसमें चालकता और उच्च गलनांक बिंदु। ओके, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में इसीलिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या गुण होता है भाई, इसकी उसमें चालकता अच्छी होती है और उच्च गलनांक बिंदु होता है इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है भाई आयरन, ओके, Fe। प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? धातुओं में दिखाई न देने वाला गुण पूछा है, प्रकृति में ध्वन्यात्मक
और विद्युत चालन और नीरसता और लचीलापन। तो प्रकृति में ध्वन्यात्मक होना ये तो भाई धातु का गुण होता है, ओके, ध्वनि पैदा होती है, विद्युत चालन बिल्कुल होता है, लेकिन नीरसता ये धातु में पाया जाने वाला गुण नहीं है, लचीलापन भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है। तो तांबा पदार्थ जो है वो अपनी चमक रखता है भाई मूल कॉपर कार्बोनेट के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी कौन सी है। तो सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी होती है हरे पादप। प्रश्न है कि सोडा एसिड से आगे आग कैसे बुझ जाती है। सोडा एसिड से आग को कैसे बुझाया जाता है। तो भाई इसलिए बुझ जाती है क्योंकि हवा की आपूर्ति कट जाती है। सोडा एसिड से आग इसीलिए बुझाया जाना संभव होता है कि हवा की आपूर्ति जो है कट जाती है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत अपघट्य इनमें से कौन सा है। तो एक विद्युत अपघट्य इनमें से है, एक ऐसा द्रव जो धारा का चालन कर सकता है। भाई क्या है भाई, वही विद्युत अपघट्य है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है किससे। हमेशा याद रखिएगा, जीन की जो संरचनात्मक इकाई होती है प्यारे मित्रों, वो किसके डीएनए से बनी होती है। अब आप कहें, मैं हर वीडियो में आपसे कहता रहता हूँ कि 60 से 70% चीज़ें जो रिपीट होती हैं। भाई ये जो प्रश्न है ना, मैं अभी आपको शायद 2017 के सॉल्व करा रहा हूँ, ओके, और 2018 के जो वीडियो है ना उनमें देख लेना, ये प्रश्न पूछा गया, कोई पेपर उठा के ले देख लेना, लगभग 2 बार पूछा गया है। ओके, रिपीट होते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय से सीधे समानुपाती है, इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है। तो भाई इसे नियत चाल के साथ गतिशील कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट वियर क्या है। ग्रेट वियर एक ग्रह है, या फिर एक तारामंडल है, या फिर एक गैलेक्सी है, या फिर ये एक तारा है। तो ग्रेट वियर एक तारामंडल है। ओके, क्या है, एक तारामंडल है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो कि वर्ष 2017 में 19 जुलाई को पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। आगे आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। अगला वीडियो हमारा रहेगा भाग 13, जिसमें हम शिफ्ट 2 देखेंगे। तो बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन आप जरूर करके जाएं। PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, सीधे आप लिखें तेज एजुकेशन और वहाँ हर PDF का आप गहनता से रिवीजन कर सकते हैं, हर क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। तेज एजुकेशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।